नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूँ आपके साथ रमेश जाखड़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दक्ष प्रजापति चौक पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बुजुर्ग बैठे हुए हैं। ये जो है खुद नहीं चल सकते बैसाखियों के सहारे, या ये एक घोड़ी जिसको बोलते हैं इसके सहारे चलते हैं। और इसके आगे आप देखिएगा कि किस प्रकार से इन्होंने एक अपील लगा रखी है। दरअसल ये मोनू है, मुकेश कुमार उर्फ मोनू, ये इनका बेटा है, जिसका 15 तारीख को डेड बॉडी जो है वो गांव की एक पानी की डिग्गी के अंदर तैरती हुई मिली थी। और उसके बाद जो है इन्होंने कुछ एक लोगों पे शक जाहिर किया था, जिनके नाम जो है वो यहाँ पे दिए हुए हैं। 11 लोग हैं, 11 लोगों पे शक इन्होंने जाहिर किया था कि इन लोगों ने उनके बेटे को मारा हो सकता है, और पुलिस में एक शिकायत भी दर्ज करवाई थी। लेकिन 15 मार्च से अब तक अगर बात करूं तो 20 से 22 दिन का समय हो चुका है, लेकिन अब तक जो है वो किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये बाबा जी जो है वो यहाँ पे आकर के सिरसा में धरने पे बैठ चुके हैं। इससे पहले इन्होंने 2-3 बार पहले भी धरने पे बैठने की कोशिश की थी, लेकिन किसी न किसी आश्वासन के चलते इनको धरना नहीं लगाने दिया। और अनिल विज के पास पैदल मार्च करके उनसे गुहार लगाने के लिए भी निकले थे, लेकिन उस समय भी गांव की पंचायत ने या प्रशासन ने कर लीजिए इनको रोक लिया। तो अब ये फिर से धरने पर बैठे हैं। चलिए इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। बाबा जी, धरने पे आप क्यों बैठे हो अभी? अब 30 साल का बच्चा जाता रहा तो धरने पर ना बैठे, वो बाकी कह रहे रंजीत सिंह का हाथ है, पर पीसा रोजगार लाखों रुपया मंत्रण लाग रहे, 50 लाख रुपया दे दिया। ये नेता ऐसे काम ना करे तो वो पकड़ी देखो नहीं। अच्छा, बिना बचपन का चिक्कड़ उठान लाग रहे हैं। कैसे वो मेरे गोदी का ये सरसे में मकान दिया, गोदी का में मकान दिया, जमीन दी, होता होता चिक्कड़ उठावे। आप आगे मेरे उम्र तय को नहीं होगी। नहीं तो किन किन लोगों ने मारा है आपके बेटे को? ये जो नाम लिख रखे हैं उन्होंने, हाँ जी, सही 11 आदमी को नाम है। ये नाम तो इन्होंने क्यों मारा होगा बाबा जी? मेरी दुश्मनी, मेरी जमीन 1 किला 5 कनाल सुंदरदास ने पहले टाइम में बिक जा, कोई बेच जानता कोई खा जानता। अब वो मेरी बेच के खा गया, उसके बाद मेरे थोड़े से उतारना होने लग गया, मेरी दुश्मनी बदबू करी, आज मेरे भी ये बच्चे को मार दिया। अच्छा, अच्छा मेरा भाई खेत में बिना तंग कर तो पानी आगे ला रहा, ठेके देनी आप पानी बिना मत बलगा बिंगा सा गया, बोआ तंग आ गयो भी लाले साल ठेके दे दी। अच्छा, तो अब पुलिस कार्रवाई कौन पुलिस की कार्रवाई नहीं है, पुलिस बिक चुकी है, रोज का लाखों रुपये देने ला रहे, जिसका 50,000 रुपया रंजीत सिंह को भाईचारो मांग इमदाद करेगो नेता तुम्हारो के बड़। नहीं, आपको कैसे पता कि रणजीत सिंह उनकी फेवर कर रहे हैं? मैं गांव आता जाता था पहले, कांग्रेस था, मैं भी गांव रहते थे। तो रणजीत सिंह जी ने तो कांग्रेस छोड़ रखी है? छोड़ रखी, तो पहले भाईचारा तो है। अच्छा, तो भाईचारा उन आता हूँ तो करेगा अगलो। अच्छा, ना तो नेता को हाथ ना हुआ तो पुलिस वाला पकड़े को नहीं, पुलिस वाला तो पताल में काट ले, और रुपया भी काम करने लग रहे, हमारी कोई सुनाई नहीं है। तो अब आप आगे क्या कदम उठाएंगे अगर आपकी मांग नहीं मानी जाती है, नहीं इम्प्लीमेंट होता है? तो फिर मैं अंबाला भी जाऊंगा, दिल्ली भी जाऊंगा। अच्छा, देखे हैं 2 दिन और। हाँ, ना तो फिर मैं आगे जाऊंगा, मेरे को टक्कर ना आते तो मैं अट्ठा धरने पर कौन बैठू और बैठा जाऊंगा। ये इनके परिवार के सदस्य हैं, इनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, क्या पूरा मामला क्या है? मामला सर, 25 साल से हमारी रंजिश है, मैं हरिचंद जी हमारा समझौता करवा देते थे, 13 कनाल जमीन थी पिताजी की, इन्होंने फर्जी, मेरे पिताजी अनपढ़ हैं, अंगूठे लगा के वो बेच दी, फिर 2 एकड़ जमीन एक सरपंच सुंदरदास ने वो भी जब्त कर ली हमारी। उसके बाद बहुत सालों से चला आ रहा था, कभी रास्ते के लिए छोटा भाई गाँव में खेती कर, चाव से खेती करने गया, बड़ा शौक था उसको, मैंने कहा हम सारे सिरसा में आगे चल, तू गांव में रह, मम्मी माता जी के एक्सपायर के बाद पिताजी यहाँ रहने लग गए, उसको रास्ते के लिए पानी के लिए मतलब तड़फाया गया। छोटा मेरा वहाँ चाचा है जो पिताजी से छोटे हैं सूरज,
उसने जो किशन चंद्र का लड़का है मदन, वो हो गया एक सतपाल है पिताजी की बुआ का लड़का, एक सरपंच सुंदरदास, इनका एक टोला है जी 25 साल से, इनको शर्म नहीं आती। इन्होंने उसके साथ पार्टनरशिप करके एक सोची समझी रणनीति बना के 1.5 साल से उससे पिताजी ने लिमिट बनवा के 3 लाख रुपए वो भी दिए, 9-10 लाख मेरे से भी ले गया। बात पैसे तो खा गए कोई बात नहीं, कम से कम उसको मारते तो नहीं था। चलो इन्होंने उसको ड्रिंक पिलाई या इनसे कोई चोट लगी, उसको सामने ले जाते, हॉस्पिटल में ले जाते, उसको मतलब निर्मम हत्या करके अपराध को छुपाने के लिए उसने एक हमारे पड़ोसी खेत है जी उसकी, दो दिन तक उसका शव मिला ऐसी हालात में मिला, फिर उसको कुछ और पैसा चढ़ा दिया, कुछ और बनाने की कोशिश करी हमने। वो तो इस मामले को सुसाइड बता रहे हैं। नहीं, वो देखो अपराधी चोर कभी चोरी करके बताता नहीं होता कि मैंने चोरी की है, उन्होंने इतना बड़ा कांड किया है वो तो कहेंगे जी। एक और बात सुनो, जिस वजह से मेरे पिताजी दुखी हो रहे हैं, हमने कल अमरण अनशन पे बैठना के लिए रिटर्न में भी दिया है, गणेशी लाल जी सारोड पे आएंगे, मेरे पिताजी के पास लाखों की नहीं करोड़ों की संपत्ति है, चाहे मेरा भाई था छोटा चाहे मैं हूँ, सरसा में हमारे गांव में जमीन भी है हमारे पास, चंडीगढ़ में भी हमारे पास मकान है, हमारे पास पैसे की मैं प्रॉपर्टी का कारोबार करता हूँ, कोई परमात्मा की फुल कृपा है। इंद्रजीत और इसके ससुर 1.5 साल से मिलके ये हमारी प्रॉपर्टी हड़पने के लिए गाँव वालों को इन्होंने पार्टनर बनाया, राम जाने और कौन इनके साथ मिला हुआ है जी, सिर्फ हमारी जायदाद हड़पने के लिए, पहले भी हड़प चुके अब भी, इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। अब छुपाने के लिए देखो जिनके पास, मोनू के पास, मुकेश के पास, अब ये वास्ता देते हैं वो रोटी के लिए पानी के, ऐसा कुछ नहीं है हमारी, इतना बनी बनाई है गाँव में भी डब वाली में आड़, तो उसके डायरेक्ट आड़ मुकेश ने रखी हुई थी, ठेके पे उसने खुद ने दी है जमीन, हर पैसे का किसी प्रकार किसी को कोई दुविधा नहीं, जिसके पास करोड़ों की संपत्ति हो उसको रोटी बनाने की दिक्कत होती है, हमारी बनी बनाई है 1.5 साल से, हमारा ही परिवार वहाँ ठकराल परिवार उसको रोटी खिला रहा था, उसको वहाँ से छीन के गुमराह करके बहलाव सला के उसका मर्डर कर दिया, सिर्फ हमारे से रंजिश थी, बदला लेना था उन्होंने, वो ले लिया जी। अब उसको छुपाने के लिए कभी क्या कह रहे हैं, कभी अब ये ताने हमारे पिताजी से नहीं सुने जा रहे, मेरे से भी नहीं सुने जा रहे। बदला किस चीज़ का लेना था, आपने भी कोई मर्डर किया? नहीं, हमने मतलब हमने नहीं, हमने उसकी राजनीतिक, सुंदरदास एक सरपंच की राजनीतिक सपोर्ट नहीं करी। अच्छा। क्योंकि उसके चोर रणजीत सिंह के 87 से लिंक है, मैं छोटा था बचपन में रोज देखता आ रहा हूँ, 94 तक तो मैं सिर्फ गाँव में रहा हूँ, 94 में सिरसा आया हूँ, रोज आज भी उस अगर गाँव में जाना होता है तो उनके पास ही जाते हैं रणजीत सिंह जी, और बहुत बड़ा हाथ है, और जब से जो रणजीत सिंह जी मंत्री बने हैं ना तब से वो हावी है हमारे पे, गोरी बड़ा चौकी दिखाना, बदमाश दिखाना, ये बढ़ती बढ़ती इधर से इंद्रजीत का साथ मिल गया उनको 1.5 साल से, कन्वर्सेशन करके उन्होंने मर्डर कर लिया, क्योंकि DSP आर्यन चौधरी पहले उनके साथ है, 40 लाख रुपये इंद्रजीत दे चुका है, RTI के इतने सारे मामले हैं, SP साहब को तो पता ही नहीं होता क्या हो रहा है, भ्रष्ट सरकार नहीं है, सरकार अच्छा काम कर रही होगी, मनोहर लाल खट्टर जी अच्छा काम कर रहे होंगे, कर रहे हैं लोग कह रहे हैं, लेकिन भ्रष्ट अधिकारियों को चोर रणजीत सिंह बचा रहे हैं, चोर रणजीत सिंह को जेल मंत्री नैतिकता के आधार पर तो देखा जाए उनको सलाखों के अंदर डालता, भ्रष्ट अधिकारियों को बचा रहे हैं, एक 302 मर्डर के अपराधियों को जिन्होंने पहले कब्जा भी किया हुआ है इंद्रजीत सिंह उसकी वाइफ ने, वो डकैती का भी मुकदमा दर्ज है उन पर, और वो फ्राडी भी हैं धोखाधड़ी के मुकदमे फतेहबाद में फ्यूचर मेकर कंपनी के संबंधित में, और आज हत्या के आरोपी हो गया, मतलब कितने मामले हैं, कितनी लड़कियों को उसने जीवन तबाह किया इंद्रजीत ने, ऐसे लोगों के साथ सुंदरदास एक्स सरपंच का धर्मेला हो गया, ऐसे अपराधी के साथ DSP आर्यन चौधरी का हो गया, और SP साहब भी बचा रहे हैं उनको, हमारी कहीं सुनाई नहीं, क्या कानून कुछ भी नहीं है। चलिए शुक्रिया बातचीत के लिए। तो पूरा मामला जो है इन्होंने बताया कि आखिर एलिगेशन जो इन्होंने लगाए हैं अपने परिवार के लोगों पे, वो परिवार के लोग क्या कुछ कहते हैं और पुलिस ने अब तक इसमें क्या कुछ कार्रवाई की है, वो तमाम बातें हम आपको बताएंगे, तमाम इस केस की पूरी पड़ताल हम करने की कोशिश करेंगे, लगातार बने रहिएगा के हरियाणा के साथ।